बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा के पास, बाबा के करीब कई प्रकार के चौपड़ा रखे हुए थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया के हिसाब से भी दीपावली के बाद दुनिया के बिजनेसमैन नया चौपड़ा रखते हैं, नए दिन से शुरुआत करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा भी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ नया सोचते हैं, नया संकल्प बाबा को बच्चों के प्रति, उन्नति के प्रति चलता है। इतने में बाबा ने मंदिर का दृश्य दिखाया। मंदिर के अंदर घंटे बज रहे हैं, आरती हो रही है, भजन गीत गा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, इसका कुछ मतलब समझा? मैंने कहा, बाबा मतलब तो अर्थ तो आप ही बतलाएंगे। बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी, भक्ति में भी, मंदिरों में आरती घंटे भजन क्यों करते हैं और जाते किस लिए लोग हैं? वहाँ शांति के लिए जाते हैं, वाइब्रेशन लेने के लिए जाते हैं। जितना समय बैठते हैं उतना समय उन्हें भी शांति की अनुभूति होती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा इसलिए चौपड़े की बात कही, दिखाई बाबा ने। बाबा ने कहा कि जिस स्थान पर आप बच्चे बैठे हैं, शांति वन की बात कही बाबा ने। बाबा ने कहा कि इस स्थान का भी वाइब्रेशन में बदलाव कैसे आया? तो मैंने बाबा को कहा, आप ही बतलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि यह नुमा शाम का योग बल चलता था, पर दादी जानकी ने, बाबा ने तो बच्ची शब्द कहा, जब से नुमा शाम का योग शुरू किया और इस शांति वन के योग के द्वारा वाइब्रेशन बदली किए, और जो जितना समय सवेरे से शाम तक बाबा के अविक्त महावाक्य जो चलते हैं, कानों में पड़ते हैं, सुनते हैं, उससे भी कई बच्चे अपना निजी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, करते रहते हैं। बाबा ने कहा, इसी प्रकार आज बाबा ने जैसे कि तीनों स्थान का चक्कर लगाते, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांति वन, बाबा ने कहा इसी प्रकार पांडव भवन में भी जो साकार बाबा के दादियों के कदम पड़े हैं, बाबा के महावाक्य उच्चारण हुए हैं, उस स्थान पर बाबा ने कहा उसी प्रकार आने वाले समय में बाबा के नए नए बच्चे आएंगे, पुराने भी बच्चे भी जाते हैं,
तो जिस प्रकार ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, बसता है, ऐसे ही बाबा के, साकार बाबा के कुछ बातें, कुछ महावाक्य बीच बीच में उच्चारण, वो शब्द बच्चे सुनाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चे, नए पुराने, वह भी उस चीज का अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांति वन में बाबा का अविक्त जो बोल बच्चे सुनते हैं, उससे भी बहुत प्रभावित होकर के जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने मंदिर का दृश्य दिखाया कि बाबा के स्थान तीनों ऐसी प्रकार बहुत पावरफुल होने चाहिए, जो आने वाले समय में जो बाबा के नए बच्चे आएंगे, वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके, कुछ ना कुछ अनुभव करके जाएं। बल सेंटर पर भी इस प्रकार बच्चे कुछ गीत चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो बाबा ने कहा उस स्थान पर भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशन भरते जाते हैं। बाबा ने कहा आने वाले समय में कई ऐसी आत्माएं आएंगी जो उनके किस प्रकार के संकल्प है, किस प्रकार के वाइब्रेशन है, और वो बाबा के घर में छोड़ के ना जाएं, शक्तिशाली वाइब्रेशन लेकर के जाएं। इस बात का सभी बच्चों को, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, बाबा यही विशेष नए साल में बच्चों का ये चौपड़ा देखना चाहते हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, बाबा ने भी बड़े प्यार से, दिल व जान से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि सतगुरु बार के दिन विशेष बच्चों की याद बाबा के पास पहुंचती है, और कई बच्चे तो महसूस भी करते हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं, पर याद तो पहुंचती है। बाबा ऐसे कहते हुए बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया, और सभी भाई बहनों को भी, विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुँच गए। ओम शांति।